नवनीत राणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नवनीत राणा की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर आज उद्धव सरकार मुंबई की सेशंस कोर्ट में अपील करेगी। नवनीत राणा पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। नवनीत राणा ने कल हॉस्पिटल से निकलने के बाद मीडिया से बात की थी। अदालत ने नवनीत राणा पर केस को लेकर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा रखी है और इस पाबंदी के बावजूद नवनीत राणा ने मीडिया कर्मियों से बात की और अब इसे शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उद्धव सरकार सेशंस कोर्ट में अपील कर सकती है। नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे को चैलेंज। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। हनुमान चालीसा पर फिर दी चुनौती। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर भूला है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। मनाही के बावजूद मीडिया में बयान। आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखा। जमानत पर जेल से छूटने और 3 दिन तक इलाज कराने के बाद जब नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल से बाहर निकली, इनके तेवर पहले से भी तल्ख थे। नवनीत ने समर्थकों के साथ अस्पताल के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। नवनीत राणा के इस चैलेंज से शिवसेना और आग बबूला हो गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार नवनीत और रवि के खिलाफ फिर से कोर्ट जा सकती है। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी शिव सैनिक को चुन लीजिए और जहां से बोलिए वहां से लड़ जाएं। 2014 में आप चुनाव हार चुकी हैं, आप कोई बहुत बड़ी 30 मार्खा नहीं है। ठीक है, 19 में आप चुनाव जीती हैं, लोकतंत्र में लोग हारते जीतते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, उनकी एक शोभा होती है, उन पर अशोभनीय टिप्पणी बंद करिए। नहीं, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है, ये हैरत होती है कि ऐसे बेजवाबदार लोग जिनको कोर्ट ने बेल देते समय कुछ आटी और शर्ती रखा है और वो शर्त के हिसाब से उन्होंने शर्त भंग किया है, उनके ऊपर कंटेम ऑफ कोर्ट होना चाहिए और इनको डबल से जेल में डालना चाहिए। आपको बता दें कि 4 मई को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने नवनीत और इनके पति रवि राणा को मीडिया से बात न करने की शर्त पर जमानत दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी वैसा कोई काम ये दोबारा न करें। लेकिन नवनीत के तेवर देखकर लगता नहीं ये झुकने वाली हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।